और दोस्तों आइए, नया इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, ढोलक। सबसे पहले तो ढोलक बैठने का, ये इस तरह से बैठिए, अपने ग्रिप में रहे वो ढोलक। उसके बाद सबका नाम सबको पता है, इसका नाम ढोलक है और इसे हम कैसे प्ले करते हैं ये चीज़ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका चाटी फिंगर से प्ले करते हैं एंड ये बाया, ठीक है। प्ले कैसे करना है देखिए, सबसे पहले राइट हैंड को समझिए, ये तीन फिंगर और एक अलग अलग कर लिया, ये पोजीशन 1 2 3 4, सिर्फ इतनी उंगली से देना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हैं? ये 1 का सपोर्ट और 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3 4 4, समझ में आए? बाय यू बनाए, ये जो पार्ट हमारा, इस पार्ट को हमने यहां रखा और फिंगर से तबला। और इसमें फर्क क्या होता है दोस्तों, तबले में काफी सारी पाबंदियां होती हैं, रिंग फिंगर उठना नहीं चाहिए, ये बाएं से टच रहना चाहिए, ब्लैक स्याही से मिडिल फिंगर टचिंग होना चाहिए, ये सब तबले की पाबंदियां हैं। बट ढोलक में खुला होता है, आप जैसा चाहें वैसा बजाएं, बस इसको किनारे में बजाएंगे तो इसकी साउंड ऐसी आएगी, अंदर बजाएंगे तो साउंड ऐसी आएगी, बाकी है। अब इसके हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपको मैंने बताया, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों मिलाए बाया का बताया था, अब दोनों एक साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको हम कहरवा ताल बोल सकते हैं। बाकी ये इंस्ट्रूमेंट तो वैसे फोक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा कहलाता है, ये फोक में ज्यादा यूज होता है, जैसे गढ़वाली, उत्तराखंडी सॉन्ग, राजस्थानी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, इन सब में ढोलक बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। गढ़वाली की भी पैटर्न्स आगे के एपिसोड में मैं आपको गढ़वाली की एक एक पैटर्न दूंगा, गढ़वाली जौन सारी कुमाऊनी के सारे जो वहाँ के फोक पैटर्न्स हैं वो सारे एक फोक पैटर्न आपको मैं सिखाऊंगा। पहले आप बेसिक जो है इसका उसको समझें और एक्सरसाइज करें, हाथ को पहले कंट्रोल में लाएं, जैसे 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 एंड 4, 1 एंड 4 पे आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, करें इसको फास्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फास्ट, से पहला इसकी सुन। पिकअप, ता 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 ता, और फास्ट,
इसका नेक्स्ट पैटर्न आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं दूंगा। अभी सबसे पहले एक्सरसाइज बस यही करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, करिए आप लोग अभ्यास, फिर एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूंगा नए पैटर्न के साथ। आप लोग जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे एक्सरसाइज करते रहिए, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, जिस तरह से मैं बताता रहा हूँ उस तरह से करते रहिए, आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लग जाएंगे, बहुत मजा आएगा आपको बजाते हुए। इसी के साथ आज्ञा दें, नमस्कार।